सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। और आज बात करेंगे कुछ मिथ के बारे में जो बाइक्स और कार को रिलेटेड है। सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन जो उसी के पास में होगा, तो उससे क्या होगा कि जैसे मेरा न्यू वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, जैसा व्हाट्सएप पे आता है कि इस लड़की ने आपको मैसेज किया वैसे ही, तो ऐसे नोटिफिकेशन आएगा और आपको वीडियो तुरंत मिल जाएगी। राइट, स्टे वॉचिंग एंड वी विल बी राइट बैक। सो गाइस, हियर आई हैव टोटल 5 मिथ और 1 by 1 सबको ब्रेक करेंगे। और मिथ में क्या है और रियल लाइफ में रियलिटी में क्या होता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो पहला मिथ है प्रीमियम फ्यूल इंक्रीज द फ्यूल इकोनॉमी। तो बेसिकली प्रीमियम फ्यूल होता क्या है? ऐसा तो है नहीं कि प्रीमियम फ्यूल राजा महाराजा के घर से आया है। That was really a bad joke actually. जो भी उसकी प्रॉपर्टीज होती है वो हायर होती है और वो बेसिकली बनाया जाता है पावर जनरेट करने के लिए या मान लो परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए बेसिकली। और ये प्रीमियम फ्यूल अगर हमारे यहाँ तो ऑटोमोबाइल में मेनली 2 फ्यूल चलते हैं, पेट्रोल और डीजल। तो पेट्रोल और डीजल दोनों में प्रीमियम फ्यूल होता है। और प्रीमियम फ्यूल में होता क्या है कि अगर आप नॉर्मल फ्यूल से कंपेयर करो, अगर पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल में होता है ऑक्टेन नंबर, राइट। और प्रीमियम पेट्रोल में क्या होता है कि ऑक्टेन नंबर की जो लेवल होता है ऑक्टेन नंबर्स ज़्यादा होते हैं उसमें, और वो बेसिकली परफॉर्मेंस के लिए यूज होता है। अगर डीजल आप कंपेयर कर रहे हो तो डीजल में सीटें नंबर ज़्यादा होता है सेम, जिससे पावर इंक्रीज मिलेगी, पावर ज़्यादा मिलेगा, एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि एफिशिएंसी नहीं बढ़ेगी, उतनी ही देगी नॉर्मल फ्यूल जैसा, नहीं, एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, पर प्रीमियम फ्यूल की बहुत सारे लिमिटेशंस है, आप उसको डेली यूजेस में नहीं ले सकते, ऑक्टेन नंबर ज़्यादा है। इससे मेन डिसएडवांटेज क्या होगा कि इंजन में जो हीट है वो ज़्यादा जनरेट होगी और आपका जो बाइक है नॉर्मल बाइक वो कैपेबल नहीं है उतनी हीट को जनरेट करने के लिए। आपने देखा होगा कि कोई स्पोर्ट्स बाइक है तो उसमें रिकमेंडेशन होती है कि 97 या 95 ऑक्टेन नंबर वाला फ्यूल डालना चाहिए, राइट। तो उसके हिसाब से वो डलवाते हैं, अगर 97 ऑक्टेन नहीं डालेंगे जो इंजन पावर जनरेट करेगा वो कम करेगा, ओके। तो यही रियलिटी है, आप प्रीमियम फ्यूल को डेली लाइफ में यूज नहीं कर सकते, वो डैमेज करेगा आपके इंजन को लॉन्ग टाइम में। तो यह एफिशिएंसी थोड़ी ज्यादा मिलेगी 1 या 2 किलोमीटर पर लीटर की एक्चुअली बाइक में, अगर आप 100 या 150 सीसी की बाइक में डलवाते हो तो। और पावर तो ऑब्वियसली थोड़ी ज्यादा मिलेगी, थोड़ी मीन्स माइनर डिफरेंस होता है ऐसी छोटी बाइक्स में, क्योंकि वो कैपेबल नहीं है उतना कंप्रेशन रेशियो जनरेट करने के लिए, राइट। कि मिथ था कि प्रीमियम फ्यूल से माइलेज बढ़ती है, मैं मानता हूँ कि माइलेज बढ़ती है, बट दिस विल डैमेज योर इंजन इन लॉन्ग टर्म। और गाइस, ये दूसरा जो मिथ है वो बहुत फनी है यार। जब फर्स्ट टाइम डिस्क ब्रेक आया था अप्रॉक्स, मुझे याद तो नहीं एक्चुअली, 4-5 साल पहले नॉर्मल बाइक्स में आना शुरू हुआ था, 150 सीसी में पल्सर ही थी आई गेस जो यहाँ पर घूमती थी डिस्क ब्रेक बाइक्स में, राइट। तो उसके डिस्क ब्रेक, मतलब अभी भी ऐसे डिस्क ब्रेक आती है कि जिसमें होल्स होते हैं, राइट। तो होल्स और डिस्क ब्रेक को पब्लिक क्या रिलेट करती थी पता है, कि जो होल्स होते हैं ना उसमें मैकेनिज्म होता है डिस्क ब्रेक में कि तीन जो क्या बोलते हैं रॉड या सलिए जो भी बोलो रॉड उसके अंदर घुस जाते हैं, उसके अंदर फिट हो जाते हैं जिससे ब्रेक लग जाती है। सब लोग ऐसा मानते थे कि होल के अंदर वो ऐसा हो जाता था, पता नहीं क्या क्या मिथ थी यार तभी, और ऐसा घुसने पर गिर जाते थे सब, ऐसा एक मिथ था बहुत पहले, अभी तो शायद सबको पता ही है। तो ऐसा फनी था, ये एक्चुअली बहुत फनी है क्योंकि यार ऐसा सब गिर जाते तो कंपनीज क्यों यार डिस्क ब्रेक डालती अपने व्हीकल्स में, राइट। एक्चुअली वो होल्स होते हैं वेंटिलेशन के लिए, अगर आपने कार की डिस्क प्लेट, जो प्लेट होती है, खाली प्लेट की बात कर रहा हूँ मैं, प्लेट अगर आपने देखी हो तो उसमें होल्स नहीं होते बेसिक कार्स में, स्पोर्ट्स कार में तो होते हैं, तो बेसिक कार्स में होल्स नहीं होते क्योंकि वो ऑलरेडी वेंटिलेटेड डिस्क है। अगर आप डिस्क ब्रेक को निकालेंगे तो तभी आपको पता चलेगा कि ये हाँ ये वेंटिलेटेड डिस्क है, उसमें 2 प्लेट होती है, उसको चिपकाया जाता है ऐसे और बीच में कनेक्शन होता है ऐसे, तो यहाँ पे गैप आ गई और वेंटिलेशन वहां से ही होता है, तो वो वाली नॉर्मल डिस्क प्लेट को कार की उसमें होल की जरूरत नहीं है, इसलिए उसमें होल्स नहीं होता। और बाइक्स में होल आते हैं तो सबको लगता था कि वो सली ऐसे ऐसे मैकेनिज्म। तो तीसरा मिथ भी ये डिस्क ब्रेक के ऊपर ही है, जब भी डिस्क ब्रेक सिस्टम आई थी बाइक्स में
तभी अब अगर आप शोरूम में जा रहे हो लेने पल्सर 150 या कोई भी स्पोर्ट्स बाइक जो उस टाइम पे डिस्क ब्रेक देती थी, तो इवन शोरूम वाले जो सेल्स करते हैं, जो सेल करते हैं बाइक्स को, वो भी आपको बोलते थे कि डिस्क ब्रेक वाली बाइक मत लो, आप गिर जाओगे। और सब यहीं पे ऐसा ही मानते थे कि डिस्क ब्रेक ना लेवा यार, डिस्क ब्रेक थी पड़ी जावा। कि डिस्क ब्रेक जो होता है उसका जो ब्रेक ट्रैवल होता है, पैडल ट्रैवल, वो बहुत कम होता है। और जो नॉर्मल कन्वेंशनल जो मैकेनिकल डिस्क ब्रेक आती है, जो ड्रम ब्रेक आती है, उसमें क्या था कि जो पैडल ट्रैवल होता है बहुत ज्यादा होता है। मतलब अगर आप हैंडल यहाँ पर है इतना दबाओगे तभी ब्रेक लगेगी शॉर्ट, और डिस्क ब्रेक में इतना दबाने पर शॉर्ट ब्रेक लगती है। तो पैडल ट्रैवल फ्री प्ले जो होता है वो बहुत कम होता है डिस्क ब्रेक में। और आप अगर ड्रम ब्रेक वाली बाइक को यूज कर रहे हो और वहां से स्विच कर रहे हो डिस्क ब्रेक में, ऑब्वियसली माइंड में ऐसा ही होता है कि पूरा दबाना होता है। तो डिस्क ब्रेक में आप पूरा दबा देते हो और गिर जाते हो, ऐसा ही होता है रियल में। तो फोर्थ मिथ है हेलमेट अफेक्ट योर हियरिंग एंड विजन। तो इस मिथ में कहाँ तक सच्चाई है, एक्चुअली ये मिथ एक सच है, एक्चुअली ये उतना भी सच नहीं है। क्योंकि अगर हेलमेट पहनते हो तो ईयर तो ब्लॉक हो जाएंगे और विजिबिलिटी यहाँ से यहाँ तक होगी, हेलमेट में, हेलमेट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक होगी। तो पब्लिक किससे यूज्ड टू हुई है पता है, हेलमेट नहीं पहनने से, राइट? तो ऐसे पूरा मुड़ जाते हैं पीछे देखने के लिए, ऐसे अगर कोई पीछे से आ रहा है तो ऐसे। और जिन जिन लोग ने हेलमेट अभी तक नहीं पहना बाइक चलाते वक्त, और उसके बाद हेलमेट पहनना स्टार्ट करेंगे, तो ये प्रॉब्लम होगी, विजन प्रॉब्लम और हियरिंग प्रॉब्लम होगी। पर ये प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली, ये आप यूज्ड टू नहीं हुए उस सिचुएशन से, ये एक चीज है जिससे ये मिथ बन गया है। तो होता क्या है कि साइड मिरर तो कोई यूज नहीं करता पीछे देखने के लिए, ऐसे ऐसे घूम जाते हैं पूरे पीछे, राइट? तो अगर हेलमेट पहना है, हेलमेट यहां तक कवर होता है, तो आपको पूरा मुड़ना पड़ता है, उससे बोलते हैं सब कि विजन में प्रॉब्लम हो रही है। और हियरिंग में थोड़ी बहुत होती है क्योंकि ये पूरा कवर हो जाता है। पर अगर आप एक एक महीना एक्चुअली पहनोगे हेलमेट तो परफेक्ट सब हो जाएगा, आप यूज्ड टू हो जाओगे, आपके ईयर, आपकी आई, सब विजन विजन सब क्लियर हो जाएगा। तो अपना जो लास्ट फिफ्थ मिथ है वो हेलमेट के ऊपर है, और सबको लगता है कि हेलमेट होना चाहिए, कोई भी ब्रांड हो, नो सर्टिफिकेशन, नो ISI, नो IS और नथिंग, खाली हेलमेट होना चाहिए। पर ऐसा नहीं होता मेरे भाई, हेलमेट में सर्टिफिकेशन क्यों होता है, क्योंकि वो सर्टिफाइड है कि हेलमेट आप यूज कर सकते हो, और वो प्रोटेक्शन है, मतलब वो स्ट्रांग है, वो शील्ड जो है वो स्ट्रांग है, आपको कुछ नहीं होने देगा अंदर। अगर आप नॉन सर्टिफाइड पहनते हो तो क्या रीजन पहनने का, अगर फट गया तो फिर हेलमेट पहना ही क्यों। तो ISI वाला हेलमेट पहनो, और बहुत सारे सस्ते में मिल जाते हैं, 800-900-1000 रुपये में मिल जाते हैं, तो ISI वाले पहनो। कोई चीप 200 रुपये वाले मत पहनो, जो यहाँ तक आता है टोपी जैसा लगता है वैसा मत पहनो, फुल फेस पहनो और प्रोटेक्शन में रहो, आपके लिए भी अच्छा है, सबके लिए भी अच्छा है, राइट? सो दैट वॉज इट प्रीटी मच इन दिस वीडियो। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन वीडियो अगर आपको पता है तो किसी और को नहीं पता होगी, तो उनके साथ शेयर करो, सेफ रहो गाइस। सो स्टे हेल्दी, स्टे फिट, एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, पीस।